हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एज पर एनसीईआरटी कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैट्रिसेस एक्चुअली में होता क्या है। बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं वो सब और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी 12th स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो एज पर न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी का आया है उसमें एक्सरसाइज 3.4 कट गई है। सो एक्सरसाइज 3.4 इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रही। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 जो है वो मैं लास्ट में करूंगी। सो दैट जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक जो जो उनके सिलेबस में आ रहे हैं वो सब पहले क्लियर हो जाए और फिर उनके लिए ऑप्शनल है कि वो 3.4 देखना चाहते कि नहीं, एंड वो फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आएंगे उन लोगों के लिए तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस में मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करती हूँ। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ना डाउट होता है क्योंकि मैट्रिसेस में कहीं जगह पे टर्म यूज होती है एक्चुअल में मैट्रिक्स और कहीं जगह टर्मिनोलॉजी में यूज होती है मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में क्या नाम है, मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस है। सो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस जो है वो दोनों सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो जब एक मैट्रिक्स यूज होता है तो उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे और जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स यूज होंगे तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, सो इसके पहले हम आगे स्टार्ट करें, मैं सबसे पहले आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताना चाहूंगी। हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्लियर करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ उसके बाद मैं उसके सारे पॉइंट समझाऊंगी कि डेफिनेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो बेसिकली मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो बेसिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो ये मैं डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको डेफिनेशन खुद ही क्लियर हो जाएगी मैट्रिक्स की। तो हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि एक बंदा है सुनीता। तो सुनीता जो है, सुनीता के पास हैज 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक सुनीता है उसके पास 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स हैं। दूसरा हम लेते हैं राज, फॉर एग्जाम्पल राज है, राज के पास 3 पेन्स एंड 11 पेंसिल्स हैं। ओके, थर्ड हम लेते हैं मोहित, मोहित हैज 7 पेन्स एंड 12 पेंसिल्स। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। सो बाय चांस इन केस वी हैव इंफॉर्मेशन कि एक स्कूल में, एक क्लास के अंदर बाय चांस 30 स्टूडेंट्स हैं एंड हम लोगों को बताना है हर स्टूडेंट के पास कितनी पेन्स और कितनी पेंसिल्स हैं। सो लाइक जैसे अभी हमने इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया, जैसे हमने इंफॉर्मेशन को बताया, वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो इस केस में जैसे हमें 30 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन बतानी है कि कितने 30 स्टूडेंट्स में कितनों के पास कितने पेन्स हैं और कितनी पेंसिल्स हैं, तो अगर हम इस वे में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसको एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा इजियर वे में हम लोग यूज करते हैं टैबुलर फॉर्म। ओके, लाइक अगर अब हम इस गिवन जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसको हम टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ताकि हमारा जो एक्सप्रेस करने का है वो थोड़ा इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। हमने टैबुलर फॉर्म में पहला लिया नेम कि क्या बंदे का नेम है, देन हमने लिया उसके पास कितने पेन्स हैं, तो हमारे यहाँ सेकेंड कॉलम हुआ पेन्स और थर्ड कितनी पेंसिल्स हैं। तो एज पर जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल लिया, अब इसी को अगर हमें टैबुलर फॉर्म में
रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेम क्या है, सुनीता, कि सुनीता के पास 5 पेन्स हैं और 10 पेंसिल्स हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था कि राज, राज के पास 3 पेन्स और 11 पेंसिल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली मोहित के पास 7 पेन्स और 12 पेंसिल्स हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया था और टेबुलर फॉर्म में किया, तो उस वे में टेबुलर फॉर्म जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट सिमिलरली अगर हमें 30 स्टूडेंट्स की ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो टेबुलर फॉर्म भी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है। सो टेबुलर फॉर्म को भी इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है मैट्रिसेस का। तो हम इसको ही हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ओके, सो अब आप टेबुलर फॉर्म देखो, टेबुलर फॉर्म को ही हमें मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। और आपने देखा था कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी मैट्रिक्स की, इट इज अ रेगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो हमें इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर्स जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे मैट्रिक्स के लिए। अब जैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सुनीता के पास 5 पेन्स और 10 पेंसिल्स हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुनीता के पास 5 पेन्स और 10 पेंसिल्स हैं, राज के पास 3 पेन और 11 पेंसिल्स हैं, और सिमिलरली मोहित के पास 7 पेन्स और 12 पेंसिल्स हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ टेबुलर फॉर्म और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हम जब टेबुलर फॉर्म में किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन होती है उसके साथ हम डाटा देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, हम सिर्फ डाटा देते हैं, वी ओनली राइट डेटा, हम एक्स्ट्रा या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते मैट्रिक्स में। सिमिलरली जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो मैट्रिक्स में हम यूजुअली डेटा अपने नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस था टेबुलर फॉर्म और मैट्रिक्स में। तो अब आपने मैट्रिक्स में देखा हमारी एग्जाम्पल कैसे कंसिडर समझ आया। तो अगर हम इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट्स बनाई थी, तो स्टेटमेंट ही हम मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वर्टिकल लाइन जो होती है हमारी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कॉलम को, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है एक रो को। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, कॉलम नंबर 1 जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं। ओके, और जो हमारा सेकंड कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। ओके, और जो हमारा फर्स्ट रो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट 1। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 1 जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट 1, जो हमारे इस केस में क्या है, सुनीता। सिमिलरली रो 2 हमारी रिप्रेजेंट कर रही है राज को, और रो 3 रिप्रेजेंट कर रही है हमारी मोहित को। तो अगर आपको मैं सिमिलरली सिर्फ ये मैट्रिक्स दूं, और आप मैट्रिक्स से बता सकते हो इजीली कि जो स्टूडेंट 1 सुनीता है उसके पास 5 पेन्स हैं और 10 पेंसिल्स हैं, सिमिलरली राज जो है राज के पास 3 पेन्स और 11 पेंसिल्स हैं, और मोहित के पास 7 पेन्स और 12 पेंसिल्स हैं। तो अब आप खुद एक्सप्लेन समझ सकते हो कि हमारा मैट्रिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है, कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन है या कोई भी सिचुएशन है उसमें हमें किसी को भी रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, तो हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे, जो बहुत इजीली है एज कम्पेयर टू हम इंग्लिश में जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं या टेबुलर फॉर्म में, उससे जो बेस्ट अप्रोच जो होती है किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो होती है हमारी मैट्रिक्स। सो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियोज में हम बेसिक कंसेप्ट्स और वो सब कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चीज मैं मिस कर जाऊं और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर हमारी टीम आपको आंसर देगी। एंड अगर बाय चांस मैं कोई कंसेप्ट कुछ मिस कर रही हूँ और अगर आपको वो चीज समझ नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो वो कमेंट सेक्शन में हम आपका टॉपिक देके हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।